क्या लगता है इस बार परिवर्तन होके रहेगा? जिस तरीके से आपके पूर्व एमएलसी के खिलाफ एफआईआर हुई है, उस पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए, ऐसा स्मृति ईरानी बौखला गई हैं। उन्होंने अस्पताल बंद करवा के साबित कर दिया कि गुड़ भरी हसिया हलक में फंस गई है, न निकल पा रही न उगल पा रही है। दुनिया भैया 2024 भगा देगी। अस्पताल कांग्रेस बैन के लिए नहीं था, ये अस्पताल अमेठी के आम जनमानस के लिए होने चाहिए। राजनीति करो, इससे अच्छा अस्पताल बना के राजनीति करो, इससे हम बड़ा बनाएंगे, इससे अच्छा बनाएंगे। औरत मरी है, उसके घर वाले कह रहे हैं कि डॉक्टर की गलती पर पूरा अस्पताल क्यों बनते हैं। जो अच्छा इलाज नहीं करा सकते हैं, वो सस्ते में और सर्वसुलभ हॉस्पिटल मुंशीगंज हॉस्पिटल था, कोई भी चला जाए। एक मिनट, परसों के लिए डिलीवरी के लिए लोग राबड़ी भाग रहे हैं, कहीं मुंशीगंज भाग रहे, कहीं कहाँ भाग रहे। अरे इसका विरोध करो। कर स्मृति ईरानी आई इसीलिए है कि जिंदगी भर उन्होंने जो है राजनीति की है, क्योंकि जो सास बहू वाला जो एपिसोड था वो यहाँ पे जो है चलाना चाह रही, ये यहाँ चले गए। यहाँ के लिए विरोध कोई नहीं करता है, कोई विरोध नहीं कर रहा, ये सब पहुँच गए। अरे मुंशीगंज बंद हुआ, हमारे लिए और ऑप्शंस हैं। अपने लिए पहले जो जायज में है उसको देखिए ना, और क्योंकि बंद कर दिया, नुकसान तो उनका है, ये कहाँ जाएंगे आखिर। हमारे ख्याल से तो अस्पताल खोलना चाहिए, साझा उनको मिलने चाहिए जो गलती की हो। अस्पताल की कोई गलती नहीं, स्कूल हुआ, सब हुआ, इसमें सरकार क्या राजनीति करनी ना चाहिए, तो उस पर जांच होनी चाहिए। अस्पताल खोलन बंद कर देना चाहिए। वो बात तो सही है, अस्पताल गलत बंद हुआ, मगर हाँ गलत हुआ। आक्रोश में जब 400 रुपए सिलेंडर था, तो वही सिलेंडर वाली आंटी बन के नाचा करती थी सिलेंडर लेके, और जो अब जो है 1100 हो गया, तो अपनी जो है जवान नहीं खोल रही। मरीज जात रहे, दवाई इलाज सब मिलत रहा है, अब कुछ बंद होगा मिलने। एक जायस में अस्पताल है, यहाँ एक दवा नहीं मिल रहा, रात में अगर कोई परेशान हो जाए तो लेकर राजी भागो या को सुल्तान से। अस्पताल यही 5-8 साल में सब बंद हुआ, जितना बंद हुआ अस्पताल, तो ये वाला चल तो रहा है, ये वाला। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, और अभी हम मौजूद हैं जायस में, ये अमेठी में पड़ता है। लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया पर और मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसकी चर्चा हो रही है कि संजय गांधी हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया है, आखिर ये क्यों बंद किया गया है? आज हम यहाँ पर कई सारी जनता है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर कई लोगों के खिलाफ FIR भी हो गई है। आपको बता दें कि पूर्व MLC रहे हैं यहाँ से कांग्रेस पार्टी से, उनके खिलाफ भी FIR हुई है, उसका कैंडल मार्च, जुलूस मार्च यहाँ पर निकाला गया है, और कई सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो जिस तरीके से संजय गांधी हॉस्पिटल को बंद किया गया है, आम जनमानस पर उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में भैया जी हैं, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हॉस्पिटल को बंद किया गया है, यहाँ पर कहीं ना कहीं ये बदले की राजनीति है, या किस तरीके से आप इसको देखते हैं? मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य इस बात पे हो रहा है जी, कि आज जो शासन में हैं, जो हमारी सांसद हैं जी, वो बदला किससे ले रही हैं? बदला वो राहुल गांधी से लेना चाहती हैं, कांग्रेस से लेना चाहती हैं, लेकिन ये उनका ट्रेंड मेरी समझ में नहीं आया कि ये आम जनमानस से कैसे। ये अस्पताल कांग्रेस बैन के लिए नहीं था, ये अस्पताल अमेठी के आम जनमानस के लिए था, वो चाहे सपा में रहा हो, भाजपा में रहा हो, कांग्रेस में रहा हो, ये अस्पताल सबके लिए था। और ये ट्रस्ट जो राजीव गांधी ट्रस्ट है, ये ट्रस्ट केवल नहीं, एक मिनट यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। जो बीजेपी वालों का आरोप है, वहाँ उन लोगों के कई सारे स्टेटमेंट आए हैं कि इसको सोनिया गांधी जी चलाती हैं, और जिस तरीके से वहाँ पर एक महिला की मृत्यु हुई है उसको लेकर, तो क्या एक महिला की मृत्यु से पूरे अस्पताल को बंद कर दिया जाएगा? इन्हें तो बहाना चाहिए भाई, यहाँ कोई लोकतंत्र का शासन तो चल नहीं रहा, इन्हें तो इस अस्पताल को बंद करने का एक बहाना चाहिए था। वो बहाना जो औरत मरी है, उसके घर वाले कह रहे हैं कि डॉक्टर की गलती पर पूरा अस्पताल क्यों बंद। अच्छा, उसके घर वाले बोल रहे हैं, उसके घर वाले, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, प्रेस को स्टेटमेंट दिया है, उसका वीडियो वायरल है कि ये अस्पताल बंद करना गलत है। हमारा आरोप उस डॉक्टर पे था कि उसने डबल एनेस्थीसिया दे दिया, इसलिए उसकी तबीयत गड़बड़ा गई। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा कि जिस तरीके से अभी हमको पता चला है कि कल या परसों में यहाँ पर जो पूर्व MLC हैं उनके खिलाफ भी FIR हो गई, इसको कैसे देखती है जनता? ये सब राजनीतिक द्वेष है, किस तरीके से आम जन को परेशान किया जाए, ये काम इसमें बीजेपी कर रही है जी।
अस्पताल बंद करना, ये आम जन को परेशान करना है, जो दिल्ली और लखनऊ नहीं जा सकते हैं, जो अच्छा इलाज नहीं करा सकते हैं, वो सस्ते में, और सर उसलभ हॉस्पिटल मुंशीगंज हॉस्पिटल था तो कोई भी चला जाए 500 रुपये में 100 रुपये में अपना इलाज करा सके और अच्छे से अच्छा इलाज करा करके अपने संतुष्टि कर सकता था, अपना स्वास्थ्य ठीक कर सकता था। वो बंद कर दिया गया। एशिया का नंबर एक का था जो नेत्र चिकित्सालय है, उसको बंद कर दिया गया। 3 महीने का समय दिया गया पहले, और उसके बाद 3 दिन भी नहीं बीता था, 48 घंटे के अंदर हॉस्पिटल बंद कर दिया गया, लाइसेंस रद्द कर दिया गया। ये राजनीतिक द्वेष बस किया गया है। सोचिए, आपको बता दें कि एक राजनीतिक द्वेष कहें या क्या कहें इसको, कि अगर हॉस्पिटल बंद किया गया है तो कहीं ना कहीं ये आम जनमानस पर प्रभाव डालेगा। क्या नाम है आपका? आइए आगे आइए। क्या नाम है आपका? हमसाल। क्या करते हैं? बोले मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हो, अस्पताल तुम्हारे यहाँ का बंद हो गया है जी। तो इलाज कहाँ कर रही हो? मुंशीगंज करवाता हूँ। हाँ? पहले मुंशीगंज में होती थी। अब कहाँ कराओगे? अब जहाँ सब जाएंगे वहाँ मैं जाऊँगा। हाँ? जी। वोट कोई का दे हो रहा है? वोट? हाँ? जिस जो मांगे आएगा मैं उसी को दूंगा। अब की कोई का दे हो? हाँ? राहुल गांधी का। राहुल गांधी का? हाँ। तो एक पहले तो स्मृति ईरानी का लाओ रहा है? कोई नहीं लाया, यहाँ सब लाए थे, मैं अकेले सब जाते हूँ उसी में। भैया के युवा हमारे साथ में हैं, क्या सोचते हैं जिस तरीके से लगातार राजनीति गरमाती जा रही है अस्पताल के मुद्दे पर, तो क्या अब राजनीति अस्पताल पे भी शुरू हो जाएगी? देखिए, राजनीति जो है, स्मृति ईरानी आई इसीलिए है कि जिंदगी भर उन्होंने जो है राजनीति की है, क्योंकि जो सास बहू वाला जो एपिसोड था वो यहाँ पे जो है चलाना चाहिए, ये यहाँ चलेगा नहीं। दूसरी बात जो है, जनता इनसे बहुत आक्रोश में है। जब 400 रुपए सिलेंडर था तो वही सिलेंडर वाली आंटी बन के ये नाचा करती थी सिलेंडर लेके, और जो अब जो है 1100 हो गया तो अपनी जो है जबान नहीं खोल रही। जनता बहुत त्राही त्राही कर रही, इनके खिलाफ बहुत आक्रोश है। और दूसरी बात, अब की जो है इनको जो है विदाई इनकी तय है, ठीक है? विदाई तो पिछली बार भी कर रहे थे, तो कहाँ विदाई कर पाए थे आप? पहली बार जो है चंद्रचूड़ जी जो है नहीं थे, अब की बार चंद्रचूड़ जी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए, ईवीएम जो है लगभग 19 लाख ईवीएम जो है गायब हो गई है, आरटीआई के द्वारा जो है निकाला गया है, क्योंकि जब आरटीआई जो है जितने मतलब कि ईवीएम जो बनी कंपनी से उतनी ईवीएम जो है चुनाव आयोग ने खरीदी, अब इस पर जो है आने वाले जिस तरीके से मतलब कि इलेक्शन जजेस करीब आएगा, इस पर और भी मुद्दा गरमाएगा। अभी आपके यहाँ से एमएलसी, पूर्व एमएलसी थे कांग्रेस से, उनको उनके ऊपर एफआईआर हो गई है किसी बात को लेकर, तो क्या सोचते हैं? कोई बोलेगा तो उस पर एफआईआर करवा दिया जाएगा? भाई यही हो ही रही, सत्ता के नशे में जो है इतनी जो है चूर चूर है बीजेपी, जिसका कोई भी वर्चस्व नहीं है यहाँ पे। जो भी बोलेगा उसको दबे कुचले लोगों को और दबा दिया जाए, कोई भी जो है आवाज ना उठाए, इसलिए जो यही मतलब कि बीजेपी का यही काम है, फूट डालो राज करो। हिंदू मुस्लिम भाईचारा जो है बहुत अच्छे ढंग से जो है जायज में था, आज तक कोई भी किसी भी तरीके के हिंदू मुस्लिम नहीं होते जब से जो है ये बीजेपी आई है। जब क्या लगता है कि बीजेपी जब से आई तब से विवाद बढ़ना शुरू हुए हैं? विवाद नहीं बना, भाई भाई में जो है एक दूसरे को जो है लड़वाने का काम करती है ये। छोटा आदमी जो है वो हिंदू मुस्लिम में लड़ रहा है, मंदिर मस्जिद पे लड़ रहा है, बड़ा आदमी जो है जो नेता हैं जिनके बच्चे जो है बाहर विदेश में पढ़ रहे हैं, अपना अच्छा व्यापार कर रहा है, कारोबार कर रहा है, उससे सबसे कोई मतलब नहीं है, अच्छा एजुकेशन ले रहा है, हाई एजुकेशन ले रहा है, ठीक है? हाँ। और यहाँ का जो भाई भाई हैं, जो भाईचारा हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद दोनों एक दूसरे के समान जो है आज तक चलते चले आए, लेकिन अब जो है ये बिल्कुल नहीं हो रहा। तो क्या लगता है इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा? बिल्कुल इस बार परिवर्तन देखने को मिलेगा, क्योंकि अब की जो है राहुल गांधी की जो है घर वापसी हो रही है और स्मृति ईरानी की विदाई हो रही है। तो चलिए, लोगों की अलग अलग राय है, लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी की वापसी होने वाली है, लेकिन ये तो समय बताएगा आखिर क्या होता है। जानवर की क्या समस्या है आपके यहाँ? एक समस्या क्या है? हाँ भाई, गौशाला बना सब उसमें पल रहे हैं, और क्या है? अच्छा, बिल्कुल, और क्या चाहिए? विकास उकास हुआ है? विकास हुआ क्यों नहीं है? गरीबों के लिए आवास बन गया है, राशन मिल जाता है, जगह क्या चाहिए उन गरीबों को? अस्पताल वो तो बंद हो गया, अस्पताल बंद हो गया तो इतने दिन कांग्रेस रही उसने अस्पताल क्यों नहीं बनवा दिया? एक पंच कांग्रेस से तो बनवाई, कांग्रेस बनवाई तो कांग्रेस ही से विरोध कर रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस विरोध कर रहा है। भाई कोई मिसला है अगर, मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, अगर अस्पताल में अगर कोई भी वह हुआ हो, अनुशासनहीनता या किसी प्रकार की समस्या आई हो, उसकी जांच होनी चाहिए, इधर विरोध थोड़ा होना चाहिए। एक मिनट, हमारा सवाल सुन लो। अगर किसी तरह की दिक्कत आई है तो उस पर जांच होनी चाहिए, अस्पताल थोड़े बंद कर देना चाहिए। वो बात तो सही है, अस्पताल गलत बंद हुआ, गलत मगर हाँ गलत हुआ, ये तो बात सही है, गलत हुआ।
महिला अस्पताल में ताला बंद है, ताला बंद है, महिला अस्पताल में ताला बंद है, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा, पूरा अस्पताल एक मिनट सुनिए, परसों के लिए डिलीवरी के लिए लोग राबड़ी भाग रहे हैं, कहीं मुंशीगंज भाग रहे, कहीं कहाँ भाग रहे, अरे इसका विरोध करो, अगर क्यों नहीं विरोध कर रहे, घर के आदमी कुत्ते की मौत मर रहा है, बाहर वाले की आप चिंता कर रहे हैं, अस्पताल है बताइए, बंद हो जाता है उसके बाद कोई सुविधा नहीं है, यहाँ के लिए विरोध कोई नहीं करता है, विरोध नहीं कर रहा, ये सब पहुँच गए, अरे मुंशीगंज बंद हुआ हमारे लिए और ऑप्शंस हैं, अपने लिए पहले जो जायज में है उसको देखिए ना, आप अपने घर, मेरे घर में आग लगी है, मेरे घर में आग लगी पहले उसके बुझाने की नहीं कोशिश कर रहे हैं, क्या हो रहा है, इतने दिन से कांग्रेस रही रहा, ना एक टू सीएससी नहीं बनवा सका, मेरा कहने का मतलब जो आज का मुद्दा है कि अगर सुविधा आज का मुद्दा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल जायज में नहीं है, अच्छा अच्छा बस जायज के लिए कोई नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, एक आप युवा पहले आप ये पता करिए, जायज के लिए कभी किसी ने मसाल निकाला, जायज की समस्या के निकाला, अरे विरोध तो वो लोग कर रहे हैं जो राहुल गांधी का, यहाँ की महिलाएं नहीं है, यहाँ की जनता जनता नहीं है, यहीं के लोग वहाँ के लिए लड़ सकते हैं, लेकिन अपने जायज के लिए नहीं लड़ सकते, ये लोग लड़ इसलिए, इन लोग का लड़ने का जो आज जो मिसाल निकाली गई है उसमें यह है कि अस्पताल बंद करवा दिया गया है, महिला अस्पताल हमारा बंद है, ये भी तो बंद है, दो साल ऊपर हो गए, किसी तरीके भाई ये लोग जो विरोध कर रहे हैं, गवर्नमेंट है यहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट है, अरे पहले की विरोध करो, पहले भी इसके लिए पहले गवर्नमेंट है यहाँ पे, हम कह रहे हैं उनसे कहा पहले किसकी गवर्नमेंट थी, इससे पहले कहीं के भाई पांच एक वर्ष पहले हम कह रहा था अस्पताल, यही 5-8 साल में सब बंद हुआ, जितना बंद हुआ अस्पताल, तो ये वाला चल तो रहा है, ये वाला चल तो रहा है, ये बंद हुआ तो किसी की सरकार के लिए विरोध करो ना, अभी बंद हुआ है, विरोध करो ना, सरकारी अस्पताल ये चल रहा है, विरोध करो ना, अरे क्यों किससे कर रहे हैं, लाखों लोग को बचा रहे हैं, विरोध हो रहा है, विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार परिवर्तन होके रहेगा, जिस तरीके से आपके पूर्व एमएलसी के खिलाफ एफआईआर हुई है उस पर क्या कहेंगे आप लोग? देखिए ऐसा स्मृति ईरानी बौखला गई हैं, उन्होंने अस्पताल बंद करवा के साबित कर दिया कि गुड़ भरी हसिया हलक में फंस गई है, न निकल पा रही ना उगल पा रही है, सुनिए भैया डर है, 2024 भगा देगी मेटी, चलिए चलिए कोशिश करेंगे, इस साइड में आइए, इस साइड में कई सारे लोग हैं, भैया जी आपके यहाँ पर अस्पताल बंद हो गया है, हाँ वहाँ पर 400-500 कर्मचारी भी काम कर रहे थे, हाँ वो बेरोजगार हो गए हैं, भुखमरी कगार पे हैं, क्या कहेंगे उस पे? अब उसके लिए तो यही कहेंगे अस्पताल खुलना चाहिए, क्योंकि ऐसे बेरोजगारी है हिंदुस्तान में, और वो तो बेचारे क्योंकि सर्विस कर रहे हैं तो उनके बाल बच्चे पल रहे थे और क्योंकि बंद कर दिया नुकसान तो उनका है, ये कहाँ जाएंगे आखिर वो, तो हमारे ख्याल से तो अस्पताल खोलना, क्योंकि सजा उनको मिलनी चाहिए जो गलती की हो, अस्पताल की कोई गलती नहीं है उसमें, गलती किसी अस्पताल की नहीं होती, सजा उसकी होनी चाहिए जो गलती करता है आदमी, लेकिन सजा जो है उसको तो जो किया FIR वगैरह जो दर्ज हुई डॉक्टरों को वो तो अलग की बातें हैं, लेकिन जो किया गया अस्पताल ये ठीक नहीं हुआ, अस्पताल को खोल देना चाहिए। अच्छा युवा यहाँ का क्या सोचता है, आप क्या सोचते हो, उधर उंगली का है करो, आप बताओ कि आप इलाज कहाँ कराने जाओगे? जब यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है तो जाहिर से बात है रायबली जाएंगे, भागना पड़ेगा रायबली, यहाँ कुछ सुविधा ही नहीं, जो एक हॉस्पिटल था वो भी बंद हो गया, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, कुत्ता सुई काट ले तो उसके लिए भी सुई नहीं है, भागना पड़ता है रायबली जाओ, नसीराबाद जाओ, कहीं भी जाओ, पर यहाँ कुछ नहीं है। तो अमेठी की जनता क्या कह रही है इस बार? इस बार अब की राहुल सरकार, डायरेक्ट इंडिया गठबंधन, इंडिया गठबंधन, और भी लोग हैं भैया जी, दुकान है आपकी, अच्छा था, एक मिनट आगे आइए, हाँ पुराना अस्पताल यहाँ था, हमारे बीच में भैया जी हैं दुकानदार, यहीं पर बैठते हैं आप हमेशा? हाँ हमेशा बैठे। तो आपने कई सारे चुनाव भी देखे होंगे, इस साइड में थोड़ा सा आ जाइए, कई सारे चुनाव भी देखे होंगे, तो क्या लगता है कि जिस तरीके से इस बार अमेठी का माहौल है, क्या लगता है? अब आपके माहौल क्या लगता है कि कांग्रेस आएगा? कांग्रेस आएगा, क्यों आएगा? इसके पहले भी तो लोग कह रहे थे, लेकिन दीदी जी आई हैं। हाँ दीदी जी आए हैं, अब जबरदस्ती सब डब्बा सब पैक हो गया, मायावती पकड़े रहे, कहाँ को कर पाई आज तक उसका, कहूँ कूड़ा के डब्बा में कहूँ काहे में जात रहा, यहाँ एक अस्पताल जो बंद हुआ है उस पर आप क्या कहेंगे? अस्पताल गलत बंद हुआ है, उसमें सब मरीज जाते हैं, दवा इलाज सब मिलत रहा है, अब कुछ बंद होगा मिलने, एक जायज में अस्पताल है, यहाँ एक दवा नहीं मिल रहा, रात में अगर कोई परेशान हो जाए तो लेके राबड़ी भागो या सुल्तानपुर लेके भागो, यहाँ बंद पड़ा देखो पुटा पड़ा,
आप जाके जांच कर लीजिए, कोई अगर डिलीवरी हो जाता है तो लिए पड़े रहते हैं, अस्पताल बाहर में हो जाता है। लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस वाले विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो खाली कांग्रेस वाले कर रहे हैं कि आम जनता भी जुटी हुई? आम जनता जुटी है भाई, आम जनता है। हाँ। आम जनता जुटी है, अकेले एक आदमी से पब्लिक से थोड़ो है, आम जनता से है। एक ही दुकान है आपकी, हमेशा आप यहाँ पर रहे हैं, राजनीति भी देखी है, तो इस बार का जिस तरीके से अमेठी का माहौल है और जायस में हम जैसे घूम के देख रहे हैं कि क्या माहौल चल रहा है यहाँ का, सबसे बड़ी बात जो इस समय की है कि यहाँ के अस्पताल को बंद कर दिया गया है, तो इससे क्या प्रभाव जाएगा? इससे तो प्रभाव पड़ ही रहा भाई, अस्पताल से राजनीति से कोई मतलब नहीं है। अस्पताल तो सारे लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिम कोई भी हो उसके लिए है, अस्पताल पे तो राजनीति होने नहीं चाहिए। अस्पताल इससे अच्छा बना के राजनीति करो, अच्छी बात है, बंद करके राजनीति कैसी राजनीति, हमारे समझ में नहीं आ रहा। इससे मरीज मर भी रहा, सब मर रहे हैं, कितनी दूर दूर के लोग यहाँ आते इलाज करने। तो क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो भी सरकारें हैं आपस में लड़ें, आम जनता को क्यों इसमें पीसा जा रहा है? हम गरीब, मैं सरकार से क्या लेना देना भाई, अस्पताल भाई, स्कूल हुआ, सब हुआ, इसमें सरकार क्या राजनीति करनी ना चाहिए? शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, कोई भी चीज़ हो, ये तो आवाम के लिए, कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई सब आवाम के लिए काम करती है ना, तो आवाम के लिए काम करना चाहिए, बंद करके कोई राजनीति करेगा जो अच्छी बात नहीं है भाई। यहाँ कितने मरीज लखनऊ तक से आते हैं ऑपरेशन कराने, पैर के हड्डी का, लखनऊ में जो इलाज नहीं हो पाता यहाँ चेतन तिवारी करते हैं इलाज, एकदम टूटा फाटा आदमी हो उसको जोड़ देते हैं चेतन तिवारी। तो क्या लगता है अगर हॉस्पिटल बंद हो जाएगा तो ये जायस की जनता कहाँ जाएगी, अमेठी की जनता? भाई जायस की जनता को तो है ये फायदा, लेकिन वहाँ के लोकल वालों के कितना फायदा है, प्रतापगढ़ से कहाँ कहाँ से लोग आते हैं, दूसरे जिले से लोग आते हैं यहाँ पर ऑपरेशन कराने। अब जायस वाले तो सबको दिक्कत है, जायस का पब्लिक सबको दिक्कत भाई, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति करो, इससे अच्छा अस्पताल बना के राजनीति करो, इससे हम बड़ा बनाएंगे, इससे अच्छा बनाएंगे, उसके लिए राजनीति करो तो वो अच्छी बात है ना। तो चलिए, लोगों की अलग अलग राय है, सबसे बड़ी बात अमेठी और जायस की, आराम से, सबसे बड़ी बात अमेठी और जायस की जनता का यही कहना है कि अगर राजनीति करना है तो कई सारे अलग मुद्दे उन पर करिए। एक अस्पताल बच बचाकर अमेठी जिले में जायस में ये था, जहां पर आम जनता, आम गरीब लोग यहां पर इलाज कराने के लिए आते थे, और उसको अगर बंद कर दिया जाएगा तो यहां की जनता कहां जाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। भारतीय जनसत्ता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव, अच्छा, और जो जनसत्ता राजा भैया, नहीं नहीं, जनसत्ता पार्टी अलग पार्टी है, अच्छा अलग पार्टी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज श्रीवास्तव जी, तो जो ये गौरीगंज में घटना हुई है मुंशीगंज अस्पताल की, इसका मैं भरपूर विरोध करता हूँ, और सभी पार्टियाँ भाजपा के जो उन्होंने काम किया है, लाइसेंस रद्द किया है, हम विरोध कर रहे हैं। बहुत गलत काम हुआ है कि बगैर कोई जांच के किए हुए लाइसेंस को निरस्त करना, आम जनता के साथ ये स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मैं इसके विरोध करता हूँ। अच्छा जी, तो क्या लगता है कि इस बार क्या होगा? इस बार परिवर्तन होगा, जनता आक्रोशित है, भाजपा के भी तो आक्रोशित है, और किसी भी स्थिति में इनको अब सत्ता में आने नहीं देगी। नहीं, भाजपा से तो कहना है बहुत अच्छा काम किया है, मंदिर बना दिया आपका, इतने सारे विकास कर रहे हैं लगातार। देखिए, मंदिर बना दिया वो अलग मुद्दा है, सिलेंडर 200 रुपए डाउन कर दिया गया है, लेकिन जहाँ जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, स्वास्थ्य की समस्या देख लीजिए, वहाँ पर कितने लोगों का ऑपरेशन हुआ था, वो भटक रहे हैं। इसके अलावा वहाँ पर नर्सिंग के छात्र हैं, महिला पुरुष और लड़कियाँ वहाँ पे अध्ययन करती हैं, उनके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनके अभिभावक परेशान हैं, वहाँ के 500 से अधिक वहाँ के जो कर्मचारीगण हैं बेरोजगार हो गए हैं। अब आप बताइए, इनका भरण पोषण कौन करेगा? एक तरफ भाजपा कहती है कि हम लोगों को रोजगार देंगे, और ये रोजगार छीन रही है। अलग अलग लोगों की राय है, फिलहाल लोगों की अलग अलग राय है, सबकी अलग अलग जनता की राय है, अलग अलग तरीके से लोगों ने बताया है, लेकिन जो आक्रोश है लोगों का अलग अलग तरीके से है। सबसे बड़ा जो आक्रोश आज जायस में देखने को मिला है, जो मसाल निकाली गई है, वो है कि यहाँ पर एक हॉस्पिटल को बंद करवाया गया है। लेकिन अब देखना कि आगे की राजनीति कहाँ पर पहुँचती है। मैं मुकेश कुमार, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वाला।